हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या, राइट। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इनटू x माइनस 5 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड व्हाट अपोजिट इन साइन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k का वैल्यू हमें फाइंड करना है, राइट। अब देखिए समझना क्या है कि इसके जो जीरोज हैं भाई, क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आया तो फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो समझना क्या आपको कि इसके जो जीरोज हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, लेकिन व्हाट द अपोजिट इन साइन, हमारे जो साइन में है वो डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि इसके जो जीरोज हैं वो 3 है और एक माइनस 3 है, तो जो दोनों हमारे 3 और माइनस 3 है मैग्नीट्यूड में तो सेम है 3 3, लेकिन साइन में हमारे अपोजिट है, एक 3 है एक माइनस 3 है, राइट। तो हमें हम यहाँ पर मान के चलेंगे। अब देखो इस प्रकार हमारे और भी जीरोज हो सकते हैं, 5, -5, 6, -5, तो हम ये मान के चलेंगे इसके जो जीरोज है सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे, राइट। लेट फर्स्ट जीरो हमने मान लिया कि फर्स्ट जीरो हमारा है अल्फा और सेकंड जीरो है हमारा, वो मैंने मान लिया माइनस अल्फा, राइट। फर्स्ट जीरो हमारा अल्फा है, सेकंड माइनस अल्फा है। इसका मीनिंग क्या है भाई, ये नंबर इसका अल्फा इसका जीरो है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा और उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो हमारा जीरो होगा, राइट। इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा इस अल्फा पर वो जीरो होगा, इसको हमें समझना होगा, क्योंकि जीरो जो होता है वो उस नंबर पर पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। बाई डेफिनेशन ऑफ जीरो, डेफिनेशन ऑफ जीरो, जीरो की डेफिनेशन से, राइट। तो मैं पुट करूंगा हमारा px हमें पॉलिनोमियल हमको गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इनटू x माइनस 5, राइट। तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा, पुट x इज इक्वल टू अल्फा, तो मुझे ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इनटू अल्फा माइनस 5, राइट। अब देखिए p ऑफ अल्फा का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो अल्फा है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। यहां पर लिख देंगे p ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो, सिंस चूंकि अल्फा इज द जीरो ऑफ px, क्योंकि हमारा जो अल्फा है वो जीरो है, किसका, px का, तो इसका वैल्यू मुझे जीरो मिल जाएगा, राइट। 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इनटू अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा जीरो। सिमिलरली मैं फाइंड करूंगा माइनस अल्फा के लिए, राइट। तो अब मैं पुट कर दूंगा, पुट इसको हाईलाइट कर देंगे, राइट, इसको हम जो है हाईलाइट कर देंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू माइनस अल्फा इन px, फिर से हम px में क्या पुट कर देंगे, हम माइनस अल्फा, तो हमको क्या मिल जाएगा यहां पर, यहां पर हमें मिल जाएगा स्टूडेंट देखिए p ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इनटू माइनस अल्फा माइनस 5, ये हमारा अल्फा है, राइट। देखिए जरा ध्यान से समझ लेते हैं, तो हमें ये कितना मिलेगा भाई, माइनस अल्फा का स्क्वायर मींस प्लस का अल्फा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इसलिए प्लस का हो जाएगा, तो p ऑफ माइनस अल्फा मुझे मिल जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, और देखिए प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और हमें यह मिल जाएगा माइनस 5, राइट। अब देखिए फिर से p ऑफ माइनस अल्फा जीरो होगा, p ऑफ माइनस अल्फा जीरो क्यों होगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू माइनस अल्फा जीरो होगा, क्यों, सिंस x इक्वल्स टू माइनस अल्फा और माइनस अल्फा इज द जीरो ऑफ px, राइट, तो हमें इसका वैल्यू भी जीरो मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो। देखिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया और इस रिजल्ट को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया वी, राइट। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड बी से हमको देखो क्या मिल जाएगा, देखो समझना क्या, इसमें आपको यहां पर थोड़ा सा हमारा जो टर्मिनल पॉइंट है हमारा यहां पर बना है स्टूडेंट्स, कैसे, देखिए इसका वैल्यू जीरो है और इसका भी वैल्यू जीरो है, अब दोनों में अंतर क्या है, यहां पर माइनस साइन आ रहा है, यहां पर प्लस आ रहा है, बाकी सब हमारा सेम है, राइट। तो दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि ये भी जीरो के इक्वल, ये भी जीरो के इक्वल, तो दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो यहां पर मुझे मिल जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, पहले मैं ये वाला लिखने वाला हूं, प्लस
2k minus 1 into alpha minus 5 is equal to 3 alpha square minus 2k minus 1 minus 5, right? देखिए, जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या ये इससे कैंसिल नहीं हो जाएगा, माइनस का नहीं हो जाएगा, और जब माइनस 5 को इधर लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये भी मेरा कैंसिल हो गया, राइट? ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहां समझिए आप, मैं इन दोनों टर्म को इधर लेके आऊंगा, या फिर एक काम करिए आप, ये 3 अल्फा स्क्वायर है, ये माइनस 5 है, कोई बात नहीं, इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, देखिए देखिए इनको सबको इधर लेके आइए, तो हमें क्या मिलेगा, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस 5, इसको इधर लेके आइए, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2k माइनस 1, और हमारा यहाँ अल्फा है, अल्फा माइनस 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, राइट? सभी को मैं इधर ले आया, देखिए इससे मेरा ये कैंसिल हो गया, और माइनस 5 से प्लस का 5 कैंसिल हो गया, देखिए यहां से और यहां से हमारा अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 2k माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 2k माइनस 1 इंटू अल्फा, तो ये हमारे ऐड हो जाएंगे, ये भी सेम, यहाँ पर अल्फा कॉमन ले लीजिए आप, राइट? तो अल्फा कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2k माइनस 1 प्लस 2k माइनस 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0, हमको यहाँ पर चल रहा है, राइट? ये हमारा दिख रहा है क्या वीडियो में, दिख रहा है? यस, क्लियर दिख रहा है? देखिए ये कितना हो गया, 4k माइनस 2 इंटू अल्फा इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या, देखिए अल्फा तो हमारा 0 नहीं है, क्योंकि अल्फा तो हमारा एक नंबर है, राइट? अल्फा हमारा क्या, एक नंबर है, लेकिन जो हमारा नंबर होगा वो मैग्नीट्यूड में डिफरेंट है, इसका मीनिंग क्या, ये नॉन जीरो नंबर होगा, इसका मीनिंग क्या, ये वाला नंबर 0 के इक्वल हो जाएगा, मीन्स 4k माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 2, इट इंप्लाइज k हमारा हो जाएगा 2/4, मीन्स k इज इक्वल टू 1/2, यही हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसको जरा समझिए आप, और k का वैल्यू आ गया हमारा 1/2, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।